गाबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून, स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है टाटा कम्युनिकेशन। इसमें एक ब्रेकअवे गैप मिला है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन, ट्रेड कर रहा है 1805। स्टॉक होना चाहिए 1785 का, 20 रुपए का स्टॉक। टारगेट मेरे 1850 के, हो सकता है आ जाए, हो सकता है मंडे को आ जाए, लेकिन लगता है टाटा कम्युनिकेशन जा रहा है क्योंकि ब्रेकआउट जबरदस्त है। बिल्कुल टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन 3% ऊपर 1850 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर, ये है गावा साहब का ट्रेड। मानस आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्चिता जी। तो IDFC लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। IDFC ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप चार बटन का, एक रेजिस्टेंस था 125 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो IDFC लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए, 124.90 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 132 रुपए के टारगेट सेट करने हैं IDFC लिमिटेड में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 125 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 3.90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 2.90 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और 6 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, IDFC 26.75 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा HPCL पर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। एक अच्छा प्राइस राइज और OI राइज हम देखे हैं काउंटर में, और अपने 10 EMA से ये दोबारा अच्छा बाउंस बैक भी दिया है। डेरिवेटिव सेटअप इज ऑल्सो सीम्स टू बी गुड, 387 ऊपर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। इन फ्यूचर्स 391-395 के प्राइस टारगेट के लिए HPCL पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 382 का। ओके, चलिए HPCL ये इस समय कविता जी की ट्रेड हो गई। आशीष चतुर्मोता को भी जोड़ लेते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, आशीष आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? तो अनुज, स्टॉक के बदले पहले मैं एक थीम की बात करूंगा, और जो बहुत बड़ा चेंज इन ट्रेंड हमें लगता है होने की तैयारी हो रही है। एक जो कल फेडरल रिजर्व ने जो बात की कि इंटरेस्ट रेट को तीन जो आने वाले 3 बार में कम से कम कम करने की रेट कट की बात की है, और ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल मार्केट के लिए बनेगा। इससे मुझे लगता है 3 सेक्टर्स बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। पहला तो होगा IT, क्योंकि IT में जो ग्रोथ को लेकर कंसर्न थे, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा कहीं ना कहीं मार्केट का अजम्पशन रहेगा कि ग्रोथ वापस आना शुरू हो सकती है, और उसके प्रीएम्प्टिव रैली मेरे हिसाब से IT के अंदर बरकरार रहेगी। हालांकि लास्ट 2 दिनों में 5% निफ्टी का IT इंडेक्स ही बढ़ गया, बट उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि आउट परफॉर्मेंस लंबे समय तक अब चलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 2 साल का था। तो ये 5% की रैली जो हुई है, ये इसकी रैली को कहीं रोकेगा नहीं, तो कोई भी डिप आपको IT के स्टॉक्स में एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देगा। और इसको प्ले करने के लिए इस बार मैं IT 20 के साथ जाना चाहूंगा, रेदर देन हमने काफी बार पहले परसिस्टेंट LTI LTM की बात की, बट इस बार मैं समझता हूँ IT 20 का जो इंडेक्स है जो करीब 37 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस इंडेक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जब तेजी आएगी तो इंडेक्स बहुत ही बढ़िया चलेगा। और इसमें मेरा मानना है ये 44-45 तक के लेवल्स जो पुराने ऑल टाइम थे वो उसको ये क्रॉस करता हुआ IT 20 का इंडेक्स दिखाएगा। तो एक बेट तो मेरी IT के अंदर में इस ETF पर रहेगी, और डिस्क्लोजर की ये स्टॉक्स और ETF हम इनको काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और लेते भी हैं पोर्टफोलियो में। दूसरा होगा PSU बैंक्स, और जहां मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और उसमें भी हमारी टॉप पिक रहेगी कैनरा बैंक। अगेन डिस्क्लोजर है कि हम PSU बैंक का ETF हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, और ये ETF भी हमें पसंद है, और कैनरा बैंक इंडिविजुअली मेरा मानना है 440 पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया है, और टेक्निकली 480 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे बन रही है। और तीसरा है मेटल स्पेस। तो ये 3 सेक्टर हमें काफी पसंद है, और इसमें अगर से कोई स्टॉक पिक की बात करूं तो कैनरा बैंक, और इंडेक्स के तौर पर मुझे लगता है IT 20, इनके ऊपर हमारा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। टेक्नोलॉजी इंडेक्स निफ्टी IT में एक ट्रेड लेकर चले, और अगर स्टॉक लेना है तो कैनरा बैंक आप पिक कर रहे हैं। रुचित बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। वेरी गुड मॉर्निंग अर्चिता जी, सभी सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून अर्चिता जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। टाटा स्टील मेरी पिक रहेगी यहाँ पे। सो आईडीली डॉलर इंडेक्स क्योंकि नीचे जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स का यूजुअली हम देखते हैं इनवर्स कोरिलेशन रहता है, तो फॉलिंग डॉलर इंडेक्स के माहौल में आई थिंक मेटल स्पेस और भी अच्छे मूव दे सकता है, क्योंकि काफी समय से ये स्टॉक्स इतने ज्यादा चले भी नहीं है। रुचित का आज भी लिंक थोड़ा सा गड़बड़ है। टाटा स्टील पर एक बाय कॉल आता हुआ यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की साफ पड़ी। हाँ, सॉरी मैं एकदम से मेरी एक नज़र गई SBI लेकर आई है एक बार, और पता है मैं क्यों नज़र गई उसके ऊपर?
क्या मतलब मार्केट में कई बार चीज़ें होती हैं, ये देखिए फाइनली फाइनली इसने अपना वो 52 वीक हाई क्रॉस किया। इसके 52 वीक हाई की प्लेट लेकर आइए, आज सुबह तक 52 वीक हाई दिखा रहा था आपको 15 दिसंबर 2022 मेरे ख्याल से, हमारे सिस्टम में इसको अपडेट होने में टाइम लगता है तो आज शाम को अपडेट होगा, तो शायद आज भी आपको दिखाए 15 दिसंबर 2022 का हाई, और आज क्या डेट है 15 दिसंबर 2023। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक लिखा हुआ था कि 15 दिसंबर को ही 52 वीक हाई हिट होना था, 15 दिसंबर 2022 को 52 वीक हाई हिट हुआ, और अब 15 दिसंबर 2023 को जाके 52 वीक हाई हुआ। क्या सिमेट्री है, क्या ज़बरदस्त सिमेट्री है, और ये अब एक वो ब्रेकआउट जो एक बैंक निफ्टी में एक मिसिंग पीस था, एक ये था, HDFC बैंक चल चुका था एक महीने में 10% चल चुका है, SBI एक मिसिंग पीस था, ये मेरे ख्याल से अब वो एक मिसिंग पीस जो है वो पूरा हो रहा है। ये 3.83% गेन आप देख रहे हैं एक ईयर का, ये पूरा का पूरा आज का ही है बेसिकली, जो आज इसमें एक ब्रेकआउट आया है। आशीष चतुर्मोता, क्या व्यू होगा अब इस समय SBI पर? बहुत पॉजिटिव है अनुज, इसमें भी हमारा मानना है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये कंप्लीट हुआ है, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे एक बड़ा कंसोलिडेशन SBI में चल रहा था। लास्ट टाइम जब इसने स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था तब था दिसंबर 2022, और उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट एक साल के बाद ये बड़ा ब्रेकआउट SBI में हो रहा है, और मेरे हिसाब से इसका जो एक्सटेंडेड मूव बनेगा वो 700 रुपए तक का जाता हुआ नजर आएगा, और क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 630 पे एक बहुत ही अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस पूरी रैली में आप देखिए SBI अच्छा करेगा। PSU बैंक भी इसका ETF इस पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि SBI तो उसमें 30% वेट रखता ही है, साथ ही साथ दूसरे जो बैंक जैसे कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें भी बहुत ही बड़े मैसिव ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, और उसको प्ले करने का बेस्ट तरीका होगा ये ETF जिसकी चर्चा हम पहले भी की, और मेरे हिसाब से ये ETF अब की बार शायद 70 रुपए तक जाता हुआ हमें आसानी से यहाँ पर नजर आता है। जी SBI का चलना, ऑल टाइम हाई पे आना, और निफ्टी बैंक को एक पुश देना। निफ्टी बैंक इस वक्त कल की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है उसको सुबह अभी इसने फिर टेस्ट किया, कल का स्विंग हाई भी वही था, मॉर्निंग स्विंग हाई भी वही था। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एट डे हाई, और इस बीच आप जरा PNB को भी लेके आइए, PNB भी एक ट्रेड स्विंग देता हुआ लगभग 91.45 पे, ये भी मॉर्निंग स्विंग हाई को पार करता हुआ। रुचित एक बार जरा PNB पे अपना टेक देंगे, ये भी इस दौर के हाईएस्ट लेवल पे अभी भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। रुचित PNB पे आपका टेक 91.40, अच्छा रुचित के मेरे ख्याल से लिंक में कुछ गड़बड़ है, एक काम करते हैं बात ये कर इस बात कर लेते हैं ये मानस से। वीरो एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा इशू आ रहा है रुचित की लाइन में, एक बार ठीक है मानस से व्यू ले लेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक बार जरा पहले आप उससे पहले मारुति का चार्ट लेकर आइए, एक बार इंट्राडे में मारुति का चार्ट देख लेते हैं एक बार क्या हुआ मारुति में। ये देखिए एकदम से 5-6% इंट्राडे गिरा, फिर रिकवर भी हुआ उसका थोड़ा, मेरे को टिक बाय टिक दिखा देंगे क्या अगर यहाँ पर कुछ हुआ हो तो, एकदम से कुछ इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर हुआ और उसके बाद एकदम से रिकवरी आई। सॉरी वीरो आप उस पर कॉल ले रहे थे, लेकिन एकदम से ये मारुति में एक मूव आया तो मैं सोचा उसको जरा एक बार स्पॉट कर दिया जाए। वीरो ओके यस मारुति, इनफैक्ट मेरे पास भी एक इनफैक्ट अभी पॉइंटर आया था इसको लेकर कि मारुति में एक सडन डिप है आपके स्क्रीन पर डेढ़ ऊपर, और ये एक लो लगा के आया करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 5% नीचे का, और वो लो लगा करीब 9,832.50 रुपये का सरन अगर आप देखें डिप इस स्टॉक में। खैर मैं इसको एक बार फिर से आई थिंक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मानस, बस वो बात छूट ना जाए। PNB पे आपका टेक? देखिए PNB पे व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, और अब अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से लेकर 100 रुपये तक तो कोई मेजर रेजिस्टेंस दिखता नहीं है, तो आई थिंक ये हाई टॉप शायर बॉटम का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, और अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 87.50 रुपीज के स्टॉप से खरीदारी करिए, और हम नेक्स्ट टारगेट 100 रुपए के आसपास के ही होंगे।